गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. सो फ्रॉम टुडे वी विल स्टार्ट रिवीजन फॉर यूनिट टेस्ट. योर यूनिट टेस्ट विल बी स्टार्ट 3rd week of July. एग्जैक्ट डेट 23rd July. सो यू नो व्हाट इज़ द टॉपिक्स विच इज़ कम इन यूनिट 1. इट इज़ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. सो फ्रॉम टुडे वी विल स्टार्ट रिवीजन. फर्स्ट ऑफ ऑल आई इंस्ट्रक्ट ऑल ऑफ यू. You will read each and every line from NCERT because each and every line gives or form a questions. If your understanding work will be complete, then you can able to give any type of answer. So revision of fundamental unit of life. So I will give you some important key points of this chapter. First one is cell. What is cell? Basically, cell, how to define term cell? So all living organisms composed of basic unit of life is called cell. ठीक है. basic unit of life is called cell. clear student? So cell is structural and functional unit of organisms. Discovery of the cell. In 1665, Robert Hooke first discovered or introduced the term cell. सबसे पहले किसने किया? 1665 Robert Hooke first discovered and introduced the term cell. Later is Robert Hooke. ये कौन था? साइंटिस्ट नेम रॉबर्ट हुक फर्स्ट डिस्कवर्ड एंड इंट्रोड्यूस द टर्म सेल. लेटर बाद में कौन आया? लेटर इन 1831 द नेम ऑफ साइंटिस्ट वॉज रॉबर्ट ब्राउन. क्लियर? डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल. रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर्ड किया? न्यूक्लियस ऑफ द सेल. यदि पॉसिबल हो तो आप इसको की पॉइंट्स के फॉर्म पर एक नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हो. ठीक है. इन 1885 अब एक और टाइम सीजर ईयर है. 1885 वर्चू एक्सपेंडेड सेल थ्योरी. इन्होंने क्या किया? एक्सपेंडेड द सेल थ्योरी. द सेल थ्योरी बाय सजेस्टिंग दैम दैट ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. सेल थ्योरी क्या दिया? ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम pre-existing cells. Clear student? So these are some key points. Then what is this? Is discovery of cell? Is a shape and size of the cell. Shape or size mein basically kya read karoge? Cell exist in all shape and size. They can be spherical, rectangular, spiral and irregular in shape. Clear? Now there are some important point about shape and size of the cell. Most of the cell are microscopic in size, where some cell are fairly large. Neurons is the human cell can be large cell. Neurons is a basically न्यूरॉन्स कैसी सेल है? वो
लार्ज सेल है, न्यूरॉन्स इज अ लार्ज सेल. क्लियर? नाउ देन सेल मे बी इन साइज बिगनिंग फ्रॉम स्मॉलेस्ट सेल ऑफ माइकोप्लाज्मा टू वेरी लार्ज सेल. स्मॉलेस्ट सेल सेल माइकोप्लाज्मा इट इज स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा. माइकोप्लाज्मा बेसिकली विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर जाती है, ठीक है. और नर्व सेल्स इज अ जो लार्जेस्ट साइज है, ठीक है, लॉन्गेस्ट सेल इट इज द नर्व सेल. कौन सी सेल है ये? नर्व सेल. क्लियर स्टूडेंट? सो दीज आर द नर्व सेल. नाउ सेल मे बी हेयर यू हैव रीड टू टाइप ऑफ सेल, स्मॉलेस्ट सेल और लॉन्गेस्ट सेल. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप ऑफ द सेल. सो आई थिंक स्टूडेंट ये आपको क्लियर हो गया होगा एंड यू हैव नोटेड इन योर कॉपी ऑल्सो. सो नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप ऑफ द सेल. टाइप ऑफ द सेल देर आर बेसिकली टू टाइप ऑफ द सेल. फर्स्ट वन इज प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ द सेल. में फर्स्ट आ जाएगा टाइप ऑफ द सेल इट इज टू टाइप ऑफ द सेल. प्रोकैरियोटिक सेल एंड सेकेंड वन इज यूकैरियोटिक सेल. तो देर आर टू टाइप ऑफ सेल. फर्स्ट इज प्रोकैरियोटिक सेल, सेकेंड वन इज यूकैरियोटिक सेल. हियर प्रो से ही क्लियर हो रहा है प्रिमिटिव. प्रोकैरियोटिक सेल मीन्स प्रिमिटिव सेल. यूकैरियोटिक सेल इज कॉल्ड एज बेसिकली एडवांस सेल. प्रीकैरियोटिक सेल वो सेल होती है जो कि जिसमें सेलुलर ऑर्गेनेल्स क्लियर नहीं होते हैं और डेवलप नहीं होते हैं. तो प्रोकैरियोटिक सेल सच सेल्स विच लैक न्यूक्लियस. ठीक है. प्रोकैरियोटिक आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया एक्सेट्रा. एग्जाम्पल्स इसका एग्जाम्पल्स क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया एक एल्गी है, उस पर जो बैक्टीरिया उसके ऊपर एक बैक्टीरिया रहता है. तो बैक्टीरिया का ये होस्ट है ब्लू ग्रीन एल्गी. जो बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी पे होता है इट इज प्रोकैरियोटिक इन नेचर. क्लियर? यूकैरियोटिक सेल कौन सी सेल है? द सेल सच सेल आर एडवांस्ड एंड कंप्लीट. क्यों कर रहे हैं? पूरे सेलुलर ऑर्गेनेल्स हैं. कंप्लीट कंसिस्टिंग ऑफ न्यूक्लियस. कंटेनिंग अ न्यूक्लियस. ठीक है. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इट मे बी फंगी प्लांट्स एनिमल ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. इट मे बी यूनिसेलुलर और इट मे बी मल्टीसेलुलर. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी इसमें है, वो यूकैरियोटिक नेचर के हैं और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. नेक्स्ट टर्म इज स्ट्रक्चर ऑफ सेल. अब वी विल गो
next headings, structure of cell. Structure of cell, basically, structure, a cell is enclosed a membranous casing. A cell is enclosed, cell are enclosed in a membranous casing and is filled with a liquid substance. Membranous casing and filled with a liquid substance called cytoplasm. तो सेल बेसिकली साइटोप्लाज्म, उसमें जो लिक्विड सब्सटेंस है वो साइटोप्लाज्म होता है. ठीक है, देयर आर मैनी एंड साइटोप्लाज्म विद मैनी सेल ऑर्गेनेल. ठीक है बेटा, सेल ऑर्गेनेल्स. क्लियर स्टूडेंट? सो देयर आर टाइप ऑफ सेल. कि सेल बेसिकली दो ही टाइप की हैं, या तो प्रोकैरियोटिक होंगी या यूकैरियोटिक होंगी. प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल है जो कि जिसमें कि सेलुलर ऑर्गेनेल्स क्लियर नहीं है, लाइक न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्जी बॉडी, लाइक दैट, लाइसोसोम, लाइक दैट. ठीक है, यूकैरियोटिक में ये एडवांस सेल है और कंप्लीट सेल, इट इज़ कॉल्ड एज कंप्लीट सेल. और बेसिकली सेल कंटेनिंग अ न्यूक्लियस. यूकैरियोटिक सेल पर न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होता है. क्लियर? फिर न्यूक्लियस के बाद इसमें बेसिकली और दूसरा इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है? सेल इज एनक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेनस केजिंग एंड फिल्ड विद अ लिक्विड सब्सटेंस साइटोप्लाज्म. सेल लिविंग है. क्यों लिविंग है? क्योंकि इसमें एक लिक्विड सब्सटेंस साइटोप्लाज्म है और इसके अलावा सेलुलर ऑर्गेनेल्स हैं. क्लियर? तो जो इसकी आउटर लेयर होती है सेल में, बेसिकली इट इज़ कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल की जो आउटर मेम्ब्रेन है, इट इज़ कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. क्लियर स्टूडेंट? बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ आउटसाइडर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट इज बेसिकली outermost layer of the cell that separated the cell from its external environment, and it is made up of lipids and protein. ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आउटर मोस्ट लेयर. वर्क इसका क्या है? it is made up of lipids and protein. क्लियर स्टूडेंट? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल. इट इज आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मोस्ट लेयर, एंड कंसिस्ट ऑफ मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन. क्लियर? नेक्स्ट पार्ट इज फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब हम लोग फंक्शंस देख लेते हैं.
plasma membrane, it is semi-permeable in nature and enable the cell to maintain cellular homeostasis. होमोस्टेसिस का मतलब टेम्परेचर मेंटेन करता है, ठीक है. सेकेंड, इट एक्ट्स अ मैकेनिकल बैरियर एंड प्रोटेक्ट द इंटरनल कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम द लीकिंग आउट. इट इज फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अगेन आई विल रिवाइज व्हाट इज द फंक्शंस. फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर बेसिकली टू टाइप ऑफ फंक्शंस. इट शो फर्स्ट, इट इज सेमी परमेबल इन नेचर. कैसा नेचर है? सेमी परमेबल इन नेचर, ठीक है. तो सेमी परमेबल से क्या सेंस है? दैट्स अनेबल the cell that's enable the cell to maintain cellular homeostasis. क्लियर स्टूडेंट? फर्स्ट फंक्शन, ठीक है. सेकेंड फंक्शन इसका बेसिकली क्या है? इट एक्ट्स अ मैकेनिकल बैरियर्स and protects the internal contents of the cell. क्लियर स्टूडेंट? कि एक ये इस तरीके से एक ऐसी मेम्ब्रेन फॉर्म करता है जिससे सेल के अंदर के जो कंटेंट्स हैं उनको वो प्रोटेक्ट कर सके. आउटसाइडर्स से कोई भी बैक्टीरिया या फंजाई या कोई भी पार्ट्स एंटर ना हो सके, क्योंकि बिकॉज इट इज सेमी परमेबल इन मेम्ब्रेन. क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है कि एक वो टर्म्स डिफ्यूजन से रिलेटेड है. डिफ्यूजन, फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज डिफ्यूजन. बेसिकली डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम रीजन्स टू हायर कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है. मतलब एक डिफ्यूज़न एक प्रोसेस है किसके डिफ्यूज़न प्लांट्स में होने वाली और सेल मेम्ब्रेन्स के बीच में होने वाली एक सब प्रोसेस है. इज दिस प्रोसेस द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम रीजन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, ठीक है. दिस इज डिफ्यूज़न. क्लियर? एंड ऑस्मोसिस, इट इज अगेन फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम लोअर टू हायर कंसेंट्रेशन थ्रू अ सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है. एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट्स रूट ऑस्मोसिस वी कैन सी, ठीक है. प्लांट्स रूट जो वाटर को एब्जॉर्ब करती है इट इज ड्यू टू ऑस्मोसिस, ठीक है. और ये सब प्रोसेस किसके कारण हो रही है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का. तो दिस इज द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब एक और लेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा, दिस इज कॉल्ड अ सेल वॉल. सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली ये टू मेम्ब्रेन्स हैं, लेकिन सेल मेम्ब्रेन जो है बेसिकली प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों में है, बट सेल वॉल जो है इट इज प्रेजेंट ओनली प्लांट सेल, ठीक है. और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर होती है. It is tough. Cell wall is a tough, non-living covering outside the plasma membrane, and it is made up of cellulose or provide mechanical strength to the plants. अभी आपने किसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन रीड किया है?
अब सेकंड आता है सेल वॉल. टफ नॉन लिविंग एंड कवरिंग आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ये आउटसाइड पर है, ठीक है. सेल वॉल ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल. क्लियर. सेल वॉल कहाँ होती है? सिर्फ प्लांट सेल पर होती है. एंड इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. सेल्यूलोज एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट. गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट. क्लियर. और मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है. तो ये मैकेनिकल सपोर्ट देती है. तो दिस इज सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो आई थिंक नाउ यू हैव क्लियर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल. क्लियर. प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग सेल है, ठीक है. और ये सेल वॉल जो है नॉन लिविंग है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन. सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, ठीक है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट इज प्रोटेक्टिंग लेयर एंड सेल वॉल इज अ गिव्स अ मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स. फंक्शन ऑफ द सेल वॉल, इट्स परमिट्स सेल टू द प्लांट्स फंगाई एंड बैक्टीरिया टू विद स्ट्रेंथ वेरी डाइल्यूट एक्सटर्नल मीडियम विदाउट बर्स्टिंग. क्लियर. सेकेंड सेल वॉल का फंक्शन क्या है? गिव्स अ मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड इट्स प्रोटेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड प्रिवेंट desiccations of dryness of the cell. So these are the plasma membrane and cell wall. In next lecture we will discuss about nucleus and other cellular organelles, their key points and so many organelles are there, so we will take one and one with their key points. Thank you, student. Have a nice day.